अजय माखन लाल पर चिढ़ते हुए कहता है, माखन लाल तुम ऐसा सोचते हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि छाया वापस आ गई है। जितना मुझे पता है जिन्हें मुक्ति मिल जाती है वो कभी वापस लौट कर नहीं आते, समझे? नीरज पुजारी का खून छाया ने नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। जितना मुझे लगता है कि जिसने सुमित का खून किया है उसी ने नीरज पुजारी का खून किया है, क्योंकि दोनों लाशों की नाभि गायब है। माखन लाल झट से अजय से पूछता है, सर आप ही बताइए कोई भला नीरज पुजारी को क्यों मारेगा, उन्हें मार के किसको क्या मिल जाएगा? अजय माखन लाल के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अब उसी चीज का तो हमें पता करना है माखन लाल, अब तो मेरा ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, समझे? जल्दी से नीरज पुजारी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। माखन लाल अजय की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस हाँ में अपना सर हिला देता है। 10 बज गए थे और इस तरफ तन्वी अभी भी सो रही थी। अनन्या और मधु तन्वी के बिस्तर से उठकर स्वाति के कमरे में फ्रेश होने जा चुके थे। रुद्र तन्वी के पास ही बैठा हुआ था और बार बार उसके सिर पर हाथ फेरे जा रहा था। रुद्र की आंखों में नमी साफ साफ देखी जा सकती थी। रुद्र तन्वी के सिर पर हाथ फेर ही रहा था कि तभी वो देखता है कि तन्वी अपने हाथ की उंगलियां हिलाने लग जाती है। तन्वी के हाथ की उंगलियां हिलता हुआ देखकर रुद्र उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता और कहता है, उठो तन्वी, होश में आओ, देखो तुम्हारा रुद्र तुम्हारी आंखों के सामने बैठा है, होश में आओ तन्वी। रुद्र के कहने पर तन्वी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाती है। जब तन्वी पूरी तरह से अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखों के सामने रुद्र को देखती है तो खुश हो जाती है। तन्वी को लगता है कि वो स्वाति के कमरे में ही सो रही है। यही सोचकर वो रुद्र से पूछती है, रुद्र तुम यहाँ स्वाति के कमरे में क्या कर रहे हो सुबह सुबह? अगर चाची ने तुम्हें यहाँ मेरे पास देख लिया तो तुम्हें पता ना कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। रुद्र तन्वी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो बस तन्वी को देखता रहता है। तन्वी को ठीक देखकर वो बहुत खुश था। तन्वी रुद्र से फिर पूछती है, बोलो रुद्र तुम चुप क्यों हो, तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो बताओ? तन्वी रुद्र से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजरें उसके कपड़ों पर पड़ती हैं और वो देखते हैं कि रात को सोते समय जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो अब उसने नहीं पहने थे। तन्वी हैरानी के साथ रुद्र से पूछती है, रुद्र मेरे कपड़े किसने चेंज किए, रात को तो मैं ये कपड़े पहनकर नहीं सोई थी। रुद्र तन्वी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो तन्वी को कैसे बताए कि रात को नींद में चलते हुए वो मेघ गांव पहुंच गई थी। तन्वी अपने आजू बाजू देखने लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो स्वाति के कमरे में नहीं बल्कि रुद्र के कमरे में थी। तन्वी शॉक्ड होते हुए रुद्र से पूछती है, रुद्र मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आई, मैं तो स्वाति के कमरे में थी ना? रुद्र चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। तन्वी रुद्र पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, बोलो रुद्र तुम चुप क्यों, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो, मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किए? तन्वी के दबाव बनाने पर रुद्र हिचकिचाते हुए कहता है, वो तन्वी कल रात तुम नींद में। इतना बोलकर रुद्र चुप हो जाता है। तन्वी समझ जाती है कि रुद्र क्या कहना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी नींद में चलने की बीमारी के बारे में पता था। तन्वी रोते हुए रुद्र से पूछती है, इसका मतलब कि कल रात में फिर से नींद में चलते हुए कहीं चली गई थी, मैंने कुछ किया तो नहीं ना रुद्र नींद में? रुद्र तन्वी के सवालों का जवाब देने ही वाला था कि तभी नीचे वाले कमरे से लालू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। लालू की आवाज सुनकर रुद्र चुप हो जाता है और शॉक्ड होते हुए तन्वी से कहता है, ये तो लालू की आवाज थी, इसे क्या हो गया? तन्वी तुम यहीं पर आराम करो, मैं नीचे देखकर आता हूँ हुआ क्या है। तन्वी रुद्र को मना करते हुए कहती है, नहीं रुद्र मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी जानना है कि आखिर लालू भैया क्यों चिल्ला रहे हैं। रुद्र तन्वी को समझाते हुए कहता है, नहीं तन्वी तुम यहीं पर आराम करो, इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। रुद्र तन्वी की आंखों में देखते हुए कहता है, भूलो मत तन्वी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, इस बार इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही रुद्र ये बात कहता है तन्वी भी रुद्र की आंखों में देखने लग जाती है और उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो अपने अतीत के किसी हादसे को याद कर रही हो। रुद्र के कहने पर तन्वी वहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रुद्र कमरे से बाहर निकल जाता है और हॉल की तरफ जाने लग जाता है। जब वो हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि लालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। संतोष हड़बड़ाते हुए लालू से पूछता है,
क्या हुआ लालू, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? लालू घबराते हुए संतोष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मालिक कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है मालिक। आयशा बीच में ही लालू को टोकते हुए कहती है, क्या कुछ ठीक नहीं है लालू, तू ठीक से बताएगा हुआ क्या है और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? लालू आयशा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मालकिन मेघ गांव में। इतना बोलते बोलते लालू रुक जाता है। संतोष बौखलाहट के साथ लालू से पूछता है, मेघ गांव में क्या लालू, आगे भी बताएगा या बस मेघ गांव में अटका रहेगा? लालू अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, ओ मालिक मेघ गांव के अंदर मेघनाथ मंदिर के पुजारी नीरज पुजारी की लाश मिली है। संतोष शॉक होते हुए कहता है, क्या कहा, नीरज पुजारी की लाश, वो भी मेघ गांव के अंदर? लालू के बात सुनकर घर के सभी लोग शॉक हो गए थे, हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया था। आशा रोते हुए कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, जो हमारी रक्षा करते थे उन्हीं को आपने अपने पास बुला लिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब छाया किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार देगी, कोई उसके प्रकोप से नहीं बच पाएगा। संतोष आयशा को समझाते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो आयशा, भला छाया वापस कैसे आ सकती है, उसे तो मुक्ति मिल गई है ना? आयशा संतोष के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये जी ये आप कैसे भूल सकते हैं, याद है उस दिन जब हम नीरज पुजारी जी के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि महादेव ने उन्हें संकेत दिया था और उसी संकेत के धुएं में उन्हें छाया का चेहरा दिखाई दिया था और वो बोल रहे थे कि छाया वापस लौट कर आ गई है और देखिए छाया ने आते ही अपना खेल भी शुरू कर दिया है, उसने नीरज पुजारी को मार दिया है और अब अगला नंबर हमारा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। आयशा की बात सुनकर संतोष चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता था आयशा ठीक बोल रही है। समीर पीयूष के बगल में ही खड़ा हुआ था। पीयूष धीरे से समीर के कान में कहता है, यार यहाँ पर तो खेल ही उल्टा हो गया, नीरज पुजारी का खून तन्वी करके आई है और यहाँ पर सबको लगता है कि नीरज पुजारी का खून छाया ने किया है। समीर पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ यार मुझे भी यही लगता है, नीरज पुजारी का खून कल रात तन्वी करके आई है क्योंकि तन्वी कल रात हमें मेघ गांव के अंदर मिली थी और उसके हाथ खून से रंगे हुए भी थे। अर्जुन और अनन्या भी पीयूष और समीर के पास ही खड़े हुए थे और उन्हें समीर और पीयूष की बातें अच्छे से सुनाई दे रही थी। अनन्या धीरे से कहती है, यार क्या सच में कोई नींद में इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी का खून कर दे? अर्जुन अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से नींद में इंसान अक्सर वही काम करता है जो उसे पसंद होता है, वो मोस्टली उसी जगह में जाया करता है जहां पर उसे जाना पसंद हो या जहां पर उसे बैठना पसंद हो। सिंपल वर्ड में कहूं तो इंसान नींद में चलकर वही काम करता है जो वो दिन में पूरा ना कर पाया हो। अर्जुन की बात सुनकर पीयूष हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब यह है कि तन्वी हकीकत में नीरज पुजारी को मारना चाहती थी, वो दिन में उन्हें नहीं मार पाई इसलिए नींद में चलते हुए उन्हें मार दिया। अनन्या पीयूष पर चिढ़ते हुए कहती है, मोटे ये तो क्या बोल रहा है, भला तन्वी नीरज पुजारी को क्यों मारेगी, तन्वी को नीरज पुजारी को मारने से क्या मिलेगा? पीयूष अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार मुझे क्या पता कि तन्वी को नीरज पुजारी को मारने से क्या मिलेगा, मैं तो बस उसी आधार पर ही बात बोल रहा था जो अर्जुन ने बोली थी। समीर अर्जुन से पूछता है, अर्जुन तुझे क्यों लगता है तन्वी ने नीरज पुजारी का खून क्यों किया होगा? अर्जुन समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार मैं क्या बोलूं अब, मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि तन्वी किसी का नींद में भी खून कर सकती है, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर चल क्या रहा है, ऐसा लगता है कि तन्वी किसी परेशानी में है और उस परेशानी के बारे में हमें नहीं पता। अनन्या धीरे से कहती है, यार मुझे भी यही लगता है। इस तरफ एलेक्स पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था और उसके सामने की कुर्सी पर विजयकांत के घर के दोनों पहरेदार बैठे हुए थे। दोनों ही पहरेदार बहुत डरे हुए लग रहे थे। एलेक्स के घर के बगल में ही एक कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक पुलिस कांस्टेबल बैठा हुआ था जिसके हाथ में पेन पेपर था और वो उन दोनों पहरेदारों का बयान नोट करने को तैयार था। एलेक्स उन दोनों पहरेदारों से पूछता है, तो क्या नाम है तुम्हारा? पहला पहरेदार घबराते हुए कहता है, साहब मेरा नाम सोनू है। दूसरा पहरेदार भी घबराते हुए कहता है,
साहब मेरा नाम मोनू। एलेक्स दोनों पहरेदारों के नाम सुनते हुए कहता है, क्या कहा? सोनू और मोनू, नाम तो दोनों के मिले जुले लगते हैं, दोनों भाई हो गया। सोनू कहता है, हाँ साहब मैं इसका बड़ा भाई हूँ। हमारे पिताजी बचपन से ही मालिक के यहाँ पहरेदारी करते थे और फिर हम भी यहीं पर ये करने लगे। साहब हम सच कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है। मोनू भी सोनू का साथ देते हुए कहता है, हाँ साहब बड़े भैया ठीक कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। एलेक्स मोनू और सोनू दोनों से कहता है, यदि तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है तो तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? देखो तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छा हूँ और बुरों के लिए बहुत बुरा, इसलिए मैं जो भी तुमसे सवाल पूछूं उसका जवाब सीधे सीधे और बिल्कुल सही देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सोनू घबराते हुए कहता है, हाँ साहब समझ गए हम, पूछिए आपको क्या पूछना है, मैया रानी की कसम जो आप पूछेंगे उसका बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। एलेक्स दोनों भाइयों से कहता है, पहले ये बताओ जिस रात सुमित का खून हुआ उस रात तुम दोनों कहाँ पर थे? मोनू एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, साहब हम हमारी नौकरी पर ही थे मैया रानी की कसम। एलेक्स कहता है, अच्छा तो नौकरी पर थे, तुम दोनों की ड्यूटी हवेली के बाहर के ही दरवाजे पर लगती है ना? सोनू कहता है, हाँ साहब वहीं पर लगती है। तो फिर ये बताओ तुम दोनों जब ड्यूटी पर थे तो कैसे खूनी सुमित की लाश को दरवाजे पर छोड़कर चले गए? क्या तुमने उस हवेली के बड़े दरवाजे के अंदर घुसते हुए किसी को नहीं देखा? तुमने उसे गेट पर रोका नहीं? एलेक्स का सवाल सुनकर मोनू और सोनू दोनों चुप हो जाते हैं। एलेक्स उन दोनों पर दबाव बनाते हुए पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम दोनों से और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, बताओ यदि तुम दोनों ड्यूटी पर थे तो कैसे खूनी डायरेक्ट घर के अंदर चला गया? तुमने उसे मेन गेट से हवेली के अंदर घुसते हुए तो देखा ही होगा ना? वो दोनों फिर एलेक्स के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। सोनू और मोनू दोनों के चेहरे पसीने से लथपथ हो गए थे। एलेक्स सोनू और मोनू दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है, देखो तुम्हारे चेहरे का पसीना साफ साफ मुझे ये बता रहा है कि तुम दोनों भाई जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। मुझे तो यह लगता है कि तुम भी सुमित के खूनी के साथ मिले हुए हो, तभी वो इतनी आसानी से हवेली के अंदर घुस गया। देखो सच सच बताओ वरना खूनी की मदद करने के जुर्म में तुम दोनों को भी सजा होगी। एलेक्स की बात सुनकर सोनू डरते हुए कहता है, साहब हम सच कहते हैं, हम खूनी के साथ मिले हुए नहीं है, हमें खूनी के बारे में कुछ नहीं पता। एलेक्स कहता है, तो फिर उस रात कहां पर थे तुम दोनों? तुमने किसी को तो हवेली के अंदर घुसते हुए देखा होगा ना? मोनू हिचकिचाते हुए एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, साहब मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, पर पहले आप मैया रानी की कसम खाइए कि इस बारे में आप मालिक को कुछ नहीं बताएंगे, वरना हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। हम दोनों बाल बच्चे वाले आदमी हैं, अगर हमारी नौकरी चली गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? एलेक्स मोनू को भरोसा दिलाते हुए कहता है, देखो मोनू भरोसा रखो, मैं इस बारे में विजयकांत जी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम सच सच बताना उस रात हुआ क्या था और तुमने क्या क्या देखा। मोनू एलेक्स को सुमित के कत्ल की रात क्या हुआ था वो बात बताते हुए कहता है, साहब वो बात ये है कि जिस रात सुमित का खून हुआ था उस रात हम दोनों ने ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए हमें अच्छे से याद नहीं कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था, पर जितना मुझे याद है सोनू और मैं हम दोनों नशे में थे और दोनों ही पहरा दे रहे थे, तभी वहाँ पर भागते भागते सुमित आ गया और उसके हाथ में एक सफेद झोला था। मोनू अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एलेक्स हैरानी के साथ बीच में बोल पड़ता है, क्या कहा? सुमित के हाथ में एक झोला था, क्या तुमने देखा था कि उस झोले के अंदर